ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री यानी CSEM के मामले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 ठिकानों पर CBI की छापेमारी चल रही है। इसे ऑपरेशन मेक चक्र का नाम दिया गया है। CBI सिंगापुर और न्यूजीलैंड की इंटरपोल इकाई द्वारा साझा किए गए इनपुट्स के आधार छापेमारी कर रही है। CBI के मुताबिक कई ऐसे गैंग चिन्हित किए गए हैं जो न केवल चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के संबंधित सामग्री का व्यापार करते हैं बल्कि बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल भी करते हैं। ये गैंग दोनों तरीके से काम करता है, समूह बनाकर और व्यक्तिगत तौर पर भी। आपको बता दें कि इसको लेकर पिछले साल भी ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम ऑपरेशन कार्बन था। देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला कोई नया मामला नहीं है, यह देश में लगातार चिंता का विषय रहा है। भारत में सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड होते चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो और कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया कंपनियों से मांग चुका है जवाब। इसी हफ्ते 19 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा था। साथ ही शीर्ष अदालत ने फेसबुक, ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को 6 हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इन कंपनियों को ये भी बताने के लिए कहा कि इन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप की वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस मामले में सभी कंपनियों विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि बीते साल नंबर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में CBI ने देश के 14 राज्यों में से 77 ठिकानों पर रेड की थी। इसमें यूपी के जालौन, मऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहर भी शामिल थे। इस दौरान CBI ने अलग अलग शहरों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। CBI की रडार पर 50 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप थे जिनमें 5,000 से ज़्यादा लोगों के नाम सामने आए थे जो इस केस से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में CBI ने यह छापेमारी की है।